टाइगर 3 देखी आपने? यस सर, थोड़ी देर पहले देखा यार, बहुत ही शानदार लगी यार। मतलब कि क्या ही बताओ, एक से एक सरप्राइजेस है इस फिल्म में। मतलब कि आपको इसका, इसमें जो लोगो लगाया गया स्पाई यूनिवर्स का, वो क्यों लगाया गया वो आपको फिल्म देखने के बाद पता लगेगा, क्योंकि वॉर 2 या फिर स्पाई यूनिवर्स की कोई जो अदर फिल्म आएगी उसमें ये फिल्म कनेक्टेड होगी। और इसमें क्योंकि इन दोनों का मिशन होता है, जब शाहरुख खान सलमान खान मिलते हैं तो कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, वहाँ हंसी भी आती है। कहानी भी बहुत शानदार है इसकी टाइगर 3 की। इसमें कैटरीना का जो एक्शन है वो एक नंबर का लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि मतलब कि वो शादीशुदा, मतलब उनकी जो एनर्जी है, हेल्थ, हालांकि उनका थोड़ा सा फेस आपको अजीब लगेगा, लेकिन सलमान खान शाहरुख खान जब एक साथ आते हैं पर्दे पर, जब शाहरुख का कैमियो होता है, तो वहाँ भाई मतलब क्रेजी टोटल, मतलब पब्लिक पागल हो जाती है, इतना शानदार। तो शाहरुख का कैमियो, कैटरीना का एक्शन, और मतलब सभी के एक्शन, और इमरान आजमी इसमें एक्शन कम दिखे हैं, एक्शन करते हुए वो स्ट्रैटेजी वो ज़्यादा अपना रहे हैं, मतलब कि सामने वाले को कैसे जुबान से तोड़ना है, कैसे मतलब दिमाग कड़ाही करना है सामने वाले को, वो चीज़ें दिखाते हैं। तो एक नंबर का लगा। बस थोड़ा सा ये है कि शाहरुख खान सलमान खान के साथ मिलकर इमरान हाजमी को नहीं मारे हैं, वो उनका जो काम था इस एज अ कैमियो कि सलमान खान को बचाना है, उसको उतना ही के लिए आए थे। मतलब मुश्किल से इमोशनली कनेक्ट करती है, बिल्कुल इमोशनली कनेक्ट करती है, क्योंकि देशभक्ति को लेकर और मतलब फैमिली को लेकर पूरी इमोशंस है इसमें, कि देश को बचा लो या फिर फैमिली को बचा लो, ऐसी कहानी है। तो एक नंबर की है सर, मतलब इस मूवी को 5 में से कितने स्टार? मैं इसको दूंगा 5 में से 5 स्टार। ओके सर, थैंक यू।